SSH India। आज अजीम उल्ला चौराहे पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। अभी परसों ही एक शासनादेश जारी हुआ है, इस कोरोना महामारी जो एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है, सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मेरा सभी स्थानीय नागरिकों से, रमजानजनों से, पत्रकार बंधुओं से, पुलिस कर्मियों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि जो शासन द्वारा एक राजाज्ञा जारी की गई है उसका हम सभी को पालन करना पड़ा। मास्क किसी के पास नहीं है तो वो गमछा भी लगा सकता है, गमछे से अपने मुंह को ढक ले, महिलाएं हैं तो दुपट्टे से ढक ले। हर हालत में मुंह को ढकना है जिससे हम कोरोना महामारी से बच सकें। पूरे विश्व में इसने एक समस्या पैदा कर रखी है और इसका एकमात्र बचाव है सोशल डिस्टेंस। हम सभी कम से कम घर से निकलें और 1 मीटर दूरी बनाकर रखें, तभी इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। अफसोस इस बात का है, बार बार नागरिकों द्वारा किस तरह का सहयोग मिल रहा है लॉकडाउन का? नागरिकों द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन अभी बीच बीच में कहीं कहीं ये देखने में आया है कुछ लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर फैल रहे हैं, ये निश्चित रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि ये लॉकडाउन का 100% पालन करें। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको कोई वायरस होता है तो वो और दूसरी जगह फैलाएंगे। तो यहां अभी जो स्थिति कंट्रोल में है वो कल को और भयावह हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो घर के अंदर रहें और सोशल डिस्टेंस का 100% पालन करें। सर एक चीज और कहना चाहे, जिस तरह से शहर के निर्यातकों द्वारा चार चार गाड़ियों का पास लेकर चल रहे हैं, इससे क्या लॉकडाउन का कितना असर पड़ रहा है? जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय एकाएक क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और बड़ी विषम परिस्थिति हो गई थी, तो उस समय सब्जी किराना एवं फल के लिए पास जारी किए गए थे और स्थिति काफी नियंत्रण में आ गई थी। ऐसे लोगों के लिए किस तरह की कार्रवाई होगी जो अनायास गाड़ी लेके निकलने बाहर? मैंने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को, सबको निर्देशित कर दिया है कि जो लोग पास का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो सब लोगों को जागरूक करिए इसमें अधिक से अधिक, क्योंकि ये हमारी ही, हमारे यहाँ ये भारत देश में ही एक ऐसा संस्कार पाया जाता है जहाँ पर लोगों की मदद की भावना रहती है। विदेशों की बात मैं बता दूं, न्यूज मीडिया के माध्यम से मैं न्यूज देख रहा था तो वहाँ अमेरिका जैसे देश में लोग सड़कों पर उतर आए थे कि हमको गवर्नमेंट ने मास्क नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते तो हम मास्क क्यों खरीदे। हमारे यहाँ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो बिना किसी के कहे मास्क बना के अपने भी पहन रहे हैं, लोगों को बंटवा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, दूसरों को मदद करने की जो संस्कृति है, तो मैं ऐसे ही चाह रहा हूं कि कम से कम जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिस लायक है, ये नहीं है इसमें दबाव नहीं है ना इसको दिखावापन करना है, जितनी आपकी स्वेच्छा से मदद, जैसे आप चंदा देते हैं किसी पूजा कार्यक्रम में चाहिए है, ये सोच के कि आज देश में आपकी एक सहभागिता की आवश्यकता है, उसमें आप मदद करिए और मदद करिए। मैं मीडिया बंधु से ये कहूंगा कि जो लोग मदद करते हैं उनके हौसला अफजाई के लिए जो है आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार करिए कि इस मोहल्ले से इनका ऐसे ऐसे आ जाए। मैं अपनी बारी को विराम देते हुए मैं संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, हमारे सभासदगण इतने सक्रिय हैं, अपना अपना वार्ड सब संभाले हुए हैं, जहाँ भी कोई भी दिक्कत होती है वो अपना निपटा लेते हैं, अगर नहीं निपटता है तो हमको सूचना करते हैं, मैं उसको देखता हूँ। सारे सभासदगण और हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सब लगे हुए, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं,
और प्रशासन का बहुत सहयोग है, ये मदद कर रहे हैं बेचारे, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिले में कोई भी एक केस नहीं आया है, और इसको बरकरार रखने के लिए हर व्यक्ति मास्क लगावे और एक मीटर की दूरी बनावे। नागरिकों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? नागरिक को पूरा सहयोग है, लेकिन जो परेशान है, मजबूर है, थोड़ा बार बार बाजार में निकल रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं उसी लिए सिर्फ निकलिए, 7 से 10 समय बना हुआ है उसी समय निकले, इसके बाद कोई व्यक्ति न निकले। सब लोगों को टाइमिंग के बारे में नहीं पता चल रहा है? नहीं, सारी टाइमिंग का अनाउंस करा दूंगा मैं जी, अनाउंस करा दूंगा। तो क्या मतलब शहर 7 से 10 सुबह 7 से 10 सेकंड मीटिंग है? सेकंड मीटिंग नहीं, नो जी, एकदम नहीं, 3 घंटा बहुत है। और खाद्य की अगर बात करें, खाने कोई भी खाद्य सामग्री किसी को कहीं से लाना हो ले आ सकता है, कोई रोक नहीं। नहीं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका, उनके लिए किस तरह के इंतजाम? जो गरीब तबका है उसको बहुत से लोग लगे हुए हैं, हमारे विभाग के लोग लगे हुए हैं, अपना जिसका जितना क्षमता है उतना गरीबों के पहुँचाया जा रहा है, चाहे मुसलमान भाई भाई हो चाहे हिंदू भाई, सब दे रहे हैं जी। आपके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? हमने खाना का पैकेट बंटवाते हैं और जो अन्न भी जो है जिसको जिसको जरूर समझते हैं उसके यहाँ पहुँचवा देते हैं। हमारा क्रम डेली जारी है, कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में जितना मेरी क्षमता हिसाब से मैं दे रहा हूँ। पड़ी है कि हम लोग अब जब नगर में निकलते हैं तो देखते हैं कि अब भी यहाँ सोशल डिस्टेंस का और जो प्रिकॉशंस कहे गए हैं, जो कल से उत्तर प्रदेश में मास्क पहन कर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है, इसका बहुत कम पालन हो रहा है। पहली अप्रैल का आंकड़ा उठा के देखिए, अभी मैं बात शुरू कर रहा था इसके पहले, तो जो 1000 के आसपास था, अब प्रतिदिन 500 के आसपास बढ़ोतरी हो रही है। जो 1.5 महीने में 1000 पहुंचा था, अब प्रत्येक दिन 500 हो रहा है। अब इटली और अमेरिका की अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के स्टेटस का अगर आकलन करें तो हम उनके सापेक्ष लगभग 5% भी नहीं ठहरते हैं। तो जब हमारे यहाँ इस अगर संख्या उस अनुपात में बढ़ जाएगी तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इसका कैसे नियंत्रण कर पाएंगी, यह सोचकर ही बड़ा भयावह लगता है। इसलिए जब सोशल डिस्टेंस ही बचाव है और बिना आवश्यकता के बाहर न निकलना ही बचाव है, तो अब फौरी तरीके से कोई किसी नागरिक को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जैसे कि कल से अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क पहनकर बाहर निकले, अगर अति आवश्यकता है तो मास्क पहनकर ही बाहर निकले। माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपका अंगोछा ही बेहतर मास्क है, उस अंगोछे को ही 2-3 परत आप लपेट लीजिए, तो कोई भी अपना चेहरा खुले हुए कभी बाहर न निकले, ये आप लोगों से मेरी पुरजोर अपील है। और प्राय मैं 2 बार नगर का, पूरे नगर का भ्रमण करता हूँ, और हमारे जो भी हमरा गार्ड हैं या जो हमारे ड्राइवर हैं, कुछ लोगों को दौड़ाते हैं, कुछ लोगों को मैं समझाता हूँ, तो अब ये अपने आप में समझदारी आनी चाहिए कि हम तभी बच पाएंगे जब हम बिना आवश्यकता के बाहर नहीं निकलेंगे, और जब निकलेंगे अति आवश्यकता पर निकलेंगे तो मास्क अवश्य पहनेंगे।